एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंडियन हाउसवाइफ कुमकुम। मैं हूँ कुमकुम। तो मैं भी जा रही हूँ लंच बनाने, और लंच में मैं आज कुछ मसालेदार नहीं बनाऊंगी, एकदम सिंपल बनाऊंगी। तो राइस बन चुका है, मुझे सिर्फ अभी कड़ी बनाना है। मैं आज बनाने वाली हूँ कड़ी। तो मैं अपने स्टाइल में कैसे बनाती हूँ, चलो देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको मैं जब भी नए नए वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए लंच बना लेते हैं। और मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे हैं। देखो ये बलून लेके ही घूम रहा है। पे मैंने राइस बना चुकी हूँ, तो राइस बन चुका है, तो अभी मैं कढ़ी बनाऊंगी। आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ा सा प्लान चेंज हो चुका है, आदि कड़ी नहीं खाएगा, तो उसके लिए मैं सब्जी बनाऊंगी। आलू और सोया की, ये जो सोया का साग है इसमें मैं आलू ऐड करके एक सब्जी बनाऊंगी। और मैंने यहाँ पे सब तैयारी करके रख दिया है, प्याज और मिर्ची और आलू और कड़ी पत्ता सब निकाल के रख दिया है। तो और साइड में मैंने एक बाउल में एक गिलास छाछ और आधा बड़ा चम्मच बेसन डाल के घोल के मिक्स करके रख दिया था इसे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी मैं गैस में दोनों साइड में कढ़ाई चढ़ा के एक साइड में सब्जी बनाऊंगी और एक साइड में कड़ी बनाऊंगी। और ये जो सोया की सब्जी है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इसमें आलू ऐड करके दोगे ना बच्चों को, तो बच्चे अच्छे से खा लेंगे। मेरा बेटा तो खा लेता है और उसे बहुत ही पसंद है, ये रोटी के साथ भी खा लेता है। तो मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक चम्मच राई डाला है और अभी आधा चम्मच हींग डालूंगी। उसके बाद मिर्ची और लहसुन डाल के, उसके बाद मैं कड़ी पत्ता और नमक, हल्दी और जो मैंने छाछ का घोल बनाया था बेसन और छाछ का, वो ऐड कर दूंगी। तो कड़ी तैयार हो जाएगी। और ये कड़ी बहुत ही सिंपल है, अलग अलग तरह के भी कड़ी होते हैं, जैसे उसमें पकोड़ा भी ऐड करते हैं, तो मैं पकोड़ा ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल जो कड़ी होता है वो बना रही हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करूँगी, मुझे थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद हो तो आप भी डाल सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। चीनी डालने से क्या होता है ना, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है, तो राइस के साथ अच्छा लगता है, गरम गरम राइस के साथ। तो इस तरह का भी कढ़ी बना सकते हो। तो चलिए कढ़ी को बघार दे देते हैं और साइड में सब्जी भी बना लेते हैं। तो सब्जी जो तेल गर्म हो चुकी है, तो अभी मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। करने के बाद जब आलू फ्राई हो जाएंगे तो मैं उसमें लहसुन और प्याज ऐड कर दूंगी और उसे भी भून लूंगी। जब वो भून जाएंगे तो मैं उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर दूंगी। उसके बाद उसे भी एक दो मिनट के बाद भूनने के बाद जो सोया साग है उसे ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे कड़ी का जो तड़का है वो हो चुका है। तो मैंने इसमें छाछ और बेसन का घोल डाल दिया है, तो इसे मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। तो मैं अभी नमक चेक कर रही हूँ, नमक बराबर है कि नहीं। तो कड़ी को मैं उस साइड छोटे गैस में रख दी हूँ और बड़े गैस में मैं सब्जी बना लूँगी। सोया की सब्जी है, बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप इस तरह से बना के बच्चों को खिला सकते हैं। ये रोटी या राइस दोनों के साथ खा सकते हो। तो मेरा बेटा तो दोनों के साथ खा लेता है, राइस और रोटी दोनों के साथ, और उसे ये बहुत ही पसंद भी है। तो आप भी इस तरह से बना के बच्चों को खिला सकते हैं। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं।
चेक कर रही हूँ आलू पक चुका है कि नहीं। तो आलू पक चुका है तो मैं गैस ऑफ कर दूँगी और साइड में कढ़ी भी रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं जाऊँगी आदि के पास। गरम जल चान लेजी बॉय এই দেখো একে আসার কি একটা স্টাইল দেখেছো, এরকম কি আসে, চলে গরম জল হয়ে গেছে, চলে আসো আসো আমার মম্মা কোলে আস, মম্মা কোলে আচ্ছা জাম করো। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए खाना लगा रही हूँ, उसका नहाना हो चुका है तो मैं उसे खाना परोसूँगी, उसके बाद हम भी खाना खा लेंगे। तो चलिए खाना दे देती हूँ आदि को। आदि बसो पर खेलो, मिक्स करे खेलो, चले जाओ। तो मेरे आदि को आज का जो लंच था वो बहुत ही अच्छा लगा, उसे कढ़ी भी बहुत अच्छा लगा। तो कभी कभी बच्चों को इस तरह का भी खाना बनाकर देना चाहिए, तो उसे तो अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट टाइम भी बनाऊंगी। तो चलिए खाना खा लेते हैं, लंच हो चुका है तो चलिए थोड़ी सी आदि के साथ मस्ती करते हैं। डर गया था, देखा आप लोग ने, देखा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ फिर से। तो शाम की दिया बत्ती हो चुकी है और अभी मैं जाऊँगी शाम का नाश्ता बनाने, और नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ पोहा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो पोहा और मैंने साइड में चाय भी चढ़ा दिया है, तो मैं पोहा बनाऊँगी आदि के डिमांड में, उसे पोहा खाना है। तो पोहा बहुत ही सिंपल है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, तो मैं किस तरह से बनाती हूँ देखिए मेरे साथ। और पोहा बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, पोहा को सबसे पहले भिगा के रखना है। अगर आप तुरंत भिगाने जाओगे तो वो पोहा थोड़ा स्टिकी स्टिकी होगा, अगर आप पहले से ही भिगा के रखोगे तो वो थोड़ा खिला खिला रहेगा। तो इसलिए पोहा को सबसे पहले भिगा के रखना है, बाद जो पोहा का बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर पोहा लगभग मेरा बन चुका है, तो मैं इसमें सिंगदाना ऐड कर दूँगी, उसके बाद हरा धनिया ऐड करने के बाद लास्ट में चीनी और थोड़ा सा नींबू ऐड करूँगी। नींबू ऐड करने से क्या होगा ना, थोड़ा सा खट्टा मीठा का टेस्ट आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए निकाल रही हूँ और उसे पोहा बहुत ही अच्छा लगता है, उपमा से ज़्यादा उसे पोहा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो मुझे थैंक यू बोल रहा है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। थैंक यू सर आते हैं। क्या बोल रहे हो मुझे? ये वो इवेंट हो रहा था। थैंक यू बोला ना अच्छे से। हां थैंक यू। फैन ऑन कर दूं? नहीं हां। को देना हो चुका है, तो ये हमारे लिए मैं प्लेट लगा चुकी हूँ। तो अभी मैं चाय निकाल रही हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड बेडरूम में बैठे हैं और आदि को मन है कि वो अकेले टीवी देखेगा, तो इसलिए हम बेडरूम में नाश्ता करेंगे और वो हॉल में। यहाँ पे एक जन देखो क्या कर रहा है। ये आपका क्या है? मेरा बेस ही है। खतरनाक है। हाँ? अंधेरा नहीं हो गया। मैं कहाँ जा रहा यार, अंधेरा हो गया ब्रो। क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ। ये कौन सा मूवी है बाबू? आइस एज। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।